डॉल केक बॉक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ा एक चार्ट पेपर लिया है जो मोटे साइज़ का है और 6 इंच के निशान पे दोनों तरफ से, दो साइड से हम यहाँ पे गैप छोड़ेंगे। तो यहाँ एक साइड मैंने 6 इंच का गैप छोड़ के लाइन खींची है और दूसरा नीचे की साइड अब मैं 6 इंच का गैप दे के लाइन खींचूँगी। टोटल हाइट हमारे इस केक के बॉक्स की 13.5 से 14 इंच तक है। तो यहाँ पे 6 इंच मैंने बॉक्स का ये लिया है स्टैंड में, और जो ट्रायंगल का कोन शेप जाएगा 7.5 इंच उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का निशान लगा के 8.5 इंच का निशान लगाया है। 8.5 इंच जो है ये मेरा बेस है बॉक्स का, क्योंकि केक का जो बेस है मेरा वो है 7 इंच का। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि हमारा केक बॉक्स में चिपके ना। तो इस तरफ से, दोनों तरफ से मैं 8.5 इंच पे और फिर उसके बाद 6 इंच पे निशान लगा के लाइन खींच लूँगी, और एक्स्ट्रा जो बचेगा पेपर ऊपर की साइड हमारा वो है 7.5 इंच, जो ऊपर की तरफ ट्रायंगल शेप में जिसको मोड़ेंगे एक्स्ट्रा पेपर साइड का कट करके निकाल दें। और दोनों साइड से जो 6 इंच पे हमने निशान लगाया है उधर से हम लाइन पे इसको कट लगाएंगे ताकि हमारे बॉक्स को फोल्डिंग में आसानी हो। और स्केल की हेल्प से हर एक लाइन पे जहाँ जहाँ मैंने लाइन खींची है उस पे हम इसको फोल्ड दे देंगे ताकि हमारा बॉक्स अच्छे से हर साइड से फोल्ड हो जाए। काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, खासकर होम बेकर्स को, कि हर एक केक के लिए अलग अलग बॉक्स खरीदना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने इस केक के बॉक्स की वीडियो बनाई है कि आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब दो साइड से 6 इंच के जो पेपर हमने कट किए हैं उसको इस तरीके से स्टेपलर से मैं जोड़ दूंगी आपस में, और एक साइड हमारा खुला रहेगा जहाँ से हम केक अंदर डालेंगे, और जो 7.5 इंच का पेपर बचा हुआ था उतनी लंबाई का और साइज़ का एक पेपर हम और कट करेंगे उसके अपोजिट साइड से जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ये 20.5 इंच का टोटल पेपर है लेंथ में, और ब्रेथ में ये है 7.5 इंच। तो इसका सेम मेजरमेंट मैं नाप के इस तरीके से 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और उसके बाद लंबाई में निशान लगा के इसको हम कट करेंगे। उसके बाद सेम उसी के नाप से हम यहाँ पे 6 इंच, 8.5 इंच और 6 इंच पे निशान लगाएंगे ताकि हम उस जगह से उसको फोल्ड दे पाए। और बीच का जो 8.5 इंच वाला पार्ट है उसको हम जोड़ेंगे बॉक्स के 8.5 इंच वाले साइड से।
अंदर की तरफ से मैं यहाँ पे सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ ट्रांसपेरेंट वाला, और उसके बाद अंदर से जब एक बार ये चिपक जाएगा तो उसके बाद हम इसको दूसरी साइड से बाहर की साइड से भी सिक्योर करेंगे टेप लगा के। तो हाफ टेप नीचे के बोर्ड पे लगाएं और हाफ टेप दूसरी साइड के पेपर पे लगा के इस तरीके से देखिए इसको सिक्योर करेंगे। मैं दूसरी साइड से भी टेप लगा दूंगी। और अब ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट है ये आप देख सकते हैं ऊपर ट्रायंगल के शेप में ये दिक्कत कर रहा है फोल्ड आने में, तो इसको भी मैं साइड से कट करूंगी और एक साइड हमारा ओपन रहेगा केक के अंदर डालने के लिए। एक साइड का पेपर मैंने सिर्फ हाफ इंच फोल्ड किया है और 6 इंच वाले साइड से उसको कट किया है और 8.5 इंच वाली जगह मैंने छोड़ा हुआ है उसको हम इस तरीके से इसको होल्ड करने के लिए फोल्ड देंगे और फेविकॉल की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको चिपकाऊंगी। और जो बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा था जो फोल्ड करने में दिक्कत आ रही थी उसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट कर देंगे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में। चारों साइड्स हमें इसी तरीके से कट करनी है। फेविकॉल लगाने के बाद इसको आप एक बार ट्रांसपेरेंट टेप से भी सिक्योर करें स्टिक करके, ताकि रास्ते में कभी ग्लू अगर ना चिपक पाए और ठीक से तो वो खुल ना जाए। और ये देखिए अब इसका जो साइड वाला पार्ट है वो बहुत इजीली फोल्ड हो जाएगा और इसको हम स्टेपल करके जोड़ देंगे और दूसरा जो साइड है केक डालने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए कोई भी आगे पीछे साइड का कोई भी पार्ट है वो ओपन नहीं है, तो आपके केक को ना धूल मिट्टी लगेगी ना कुछ। तो आप अपने केक के लिए अगर आप होम बेकर हैं तो इसको ट्राई कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ एक बार ये बॉक्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।